दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से SBI यूनो से आप अपने बैंकिंग स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं। राइट, तो इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है यूनो SBI, और इससे आप स्टेटमेंट वगैरह सारा निकाल सकते हैं। ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट से भी आप निकाल सकते हैं, सेम सेम तरीका है, बट यहाँ एप्लीकेशन होना चाहिए तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बहुत मोर कन्वीनियंटली निकाल पाएंगे। हर बार आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको MPIN डाल के लॉगिन करना है। राइट, सो सबसे पहले ये एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और ऐसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और आपका नेट का कनेक्शन सही होना चाहिए। मैंने नेट का कनेक्शन ऑफ कर दिया था तो ऑन कर दिया है अब। सो ये प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है और उसके बाद फिर ये खुल जाता है। तो मैं कुछ देर के लिए पॉज कर लेता हूँ ताकि हो जाए। ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से नज़र आएगा आपको, एग्जिस्टिंग कस्टमर या फिर न्यू टू SBI। ठीक है, तो मैं तो एग्जिस्टिंग हूँ तो इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपको अपना अलाउ पर क्लिक कर देना है। कॉल मैक करने के लिए कॉल करेगा, उसके लिए अलाउ कर देना है। फिर आपको यहाँ पर देखना है कि SIM 1 या SIM 2 में जो नंबर है, कौन सा नंबर आपके बैंक के अकाउंट से एसोसिएट है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ मेरा SIM 1 एसोसिएटेड है बैंक से, तो इस पर क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और इस तरह से OTP वगैरह आके लॉगिन हो जाएगा। तो जनरली ज़्यादातर लोगों के पास ये लॉगिन ही रहता है, और अगर आपको लॉगिन करने नहीं आता है तो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं और उससे लॉगिन वगैरह का सारा प्रोसेस सीख सकते हैं। तो मैं ऐसे क्लियर एक इंट्रोडक्शन दे दे रहा था कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं आप, लेकिन जनरली लोगों के मोबाइल में लॉगिन रहता है और वो MPIN डाल के लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो मैं वहाँ से आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि लॉगिन होने के बाद कैसा दिखता है। तो दोस्तों, जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। राइट, तो यहाँ से आपको चले जाना है सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, जो कि है अकाउंट का ऑप्शन। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अकाउंट की सारी डिटेल्स यहाँ पर नज़र आएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लिक करना है अपने अकाउंट पे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको ये सारी डिटेल्स नज़र आएंगी, ये ट्रांजेक्शन वगैरह तुरंत खुल जाएगा। थोड़ा सा लोडिंग लेगा और उसके बाद फिर ये सारा खुल जाएगा, कितना कितना आपने ट्रांजेक्शन किया है वो सारा आपको दिख जाएगा, डेट वगैरह सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। राइट, उसके बाद फिर यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे। ये दोनों ऑप्शन गौर करने वाली चीज़ें हैं, इसको ध्यान से देखें। तो फर्स्ट वन जो है, ये पहला वाला, ये ऑप्शन, तो इससे आपको क्या है, आपके मोबाइल नंबर पर या फिर आपके मतलब आपके मोबाइल पे स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। सेकंड वन में क्या है, आपका जो ईमेल आईडी है वहाँ स्टेटमेंट डाउन PDF के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो स्टेटमेंट डाउनलोड होगा 150 तक का ही स्टेटमेंट डाउनलोड होगा, 150 स्टेटमेंट ही आप देख सकते हैं। राइट, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वाले में ऐसा कुछ आएगा, फाइल डाउनलोडेड सक्सेसफुली इन योर डाउनलोड एंड अकाउंट स्टेटमेंट PDF, मतलब PDF के फॉर्म में मेरे डाउनलोड फाइल में आ चुका है ये। और सेकंड वाला जो ईमेल वाला है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से पॉपअप मैसेज आएगा कि मेल हैज़ बिन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, और वहाँ से आप देख सकते हैं कि हाँ मेरा स्टेटमेंट क्या है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके के नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा देखते रहें आप।